फिरोजाबाद के थाना उत्तरी क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक सुनील को पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा थाने में युवक की पिटाई की गई, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने रोड को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ ने खदेड़ दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भीड़ के हत्थे चढ़ गया और भीड़ ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही। क्राइम स्टोरी के लिए फिरोजाबाद से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पुलिस वाले इनको ले गए थे, जब वो आदमी जो कह रहा है कि हमारी कबाड़ी में जो मोटरसाइकिल थी तो उसका क्या जुल्म था, उसे क्या मालूम है कैसी मोटरसाइकिल है। जब वो बोल रहा है फिर तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गए, तुमने थाने बंद करा, तुमने कैसे मारा, किस तरीके से मारा, मारते मारते उसकी सारी पुतली तोड़ दी तुमने, ब्लीडिंग होने लगी मुंह से, फिर तब उसे फोन करा तुमने घर वालों को, अब घर वालों को क्यों बुलाया तुमने, उसे मार मार के वहीं पे हत्या कर दिया और जमानत भी 10,000 रुपए लेके कराई है। उनके साथ के थे, उनने भी कहा इनको ब्लीडिंग हो रही है, इनको इनको देख लो, तो उनने कहा ज्यादा बोलेगा तो तुझे ही मारूंगा, उन्होंने कहा इनका ही डोला होगा वो पकड़ेगा साथ में, तो उनने सुबह जाके सरकारी हॉस्पिटल में जाँच कराई है। जाँच कराने के बाद उन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी, फिर भी नॉर्मल दिखा दी है और फिर उनसे ये कह दिया इनको ले जाओ। उन्होंने सुबह फोन करके ये बताया था कि तुम्हारा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और इनको यही बताया गया है पीएम कराएं, तो पीएम ने अगर उनके अनुसार अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आदमी जाएगी पीछे, यहाँ पे फिलहाल जाम हट गया है, जो आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी। एक सिपाही को भी पिटा था इस दौरान? नहीं, अभी इसकी जानकारी।